जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में भारत बंद का मिला जुला असर दिखाई दिया, जहां पर पेट्रोल पंप और बाजार खुले रहे जबकि ऑटो और बसेस भी दौड़ती हुई नजर आई। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है, जहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भी बंद को अपना समर्थन दिया हुआ है, लेकिन बंद का असर रायपुर शहर में नहीं दिखाई दिया। आम दिनों तक तरह सभी प्रमुख बाजार खुली रही, वहीं ऑटो बस का संचालन आम दिनों की तरह जारी है। इसी तरह पेट्रोल पंप समेत अन्य जरूरत की दुकानें भी खुली हुई हैं, हालांकि कुछ दुकानें बंद भी दिखाई दी। बता दें कि पंजाब में किसानों का केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया हुआ है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच में छोड़कर हड़ताल में सम्मिलित हो गए हैं। वहीं किसान मोर्चा के आह्वान पर भारत बंद का आह्वान बीते दिन से किया गया है, जिसके समर्थन में राज्य में इसका असर जो है नहीं के समान दिखाई दिया। वहीं अगर बैकुंठपुर की बात करें तो यहां कोंडा गांव में कांग्रेस जो है दुकानों को बंद कराने निकल पड़े। प्रदेश कांग्रेस महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने बंद को लेकर आदेश जारी किया था, तो बंद को व्यापारियों ने समर्थन भी दिया। बावजूद बंद का असर जो है कम दिखाई दिया, वहीं सुबह कई कांग्रेसी नेता दुकान बंद कराने सड़कों पर भी निकल पड़े। सभी नगरीय निकायों में अटल चौक निर्मित होने जा रहा है, नई सड़कें बनने वाली है। घरों घरों तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की बात उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपनी घोषणा जानकारी में दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 14,380,52,32,000 रुपए की अनुदान मांगों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। अरुण साव ने अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ निर्माता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर सभी नगरीय निकायों में अटल चौक बनाने की बात कही है। अरुण साहब ने कहा कि मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए हमारी सरकार लगातार कार्यरत है, यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उनके चौखट पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री दाई दीदी क्लिनिक योजना के तहत लाखों मरीजों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं अरुण साहब ने घर घर पानी शुद्ध पेयजल को लेकर भी बातें कही। कोर्ट में भर्तियों को लेकर भी इन्होंने घोषणा की है, जिसके अंतर्गत न्यायालयों की व्यवस्था स्थापना और बाकी कामों के लिए 1,254,5 हज़ार रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। वहीं अगर 360 पदों के भर्ती की बात करें तो सपोर्टिंग स्टाफ के अंतर्गत होने जा रहा है, जहां न्यायालय बीजापुर की स्थापना के लिए 44 पद, हाईकोर्ट बिलासपुर में 220 नए पद सृजित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में योग और प्राणायाम से क्लासेस की शुरुआत होने वाली है। सरकार जल्द ही इसको अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। हर शनिवार को स्पोर्ट्स डे का आयोजन भी होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में योग प्राणायाम अनिवार्य कर दिया जाएगा। स्कूलों में शिक्षा विभाग इसकी तैयारी कर रहा है। सरकार ने विधानसभा में इसका ऐलान कर दिया है कि हर शनिवार को स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्कूलों में कराई जाएगी। देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों को भी इनकी गतिविधि में शामिल किया जाएगा। वहीं आगे शिक्षा सत्र में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नई शिक्षा नीति लागू करने की भी तैयारी है। इसमें क्या कुछ नए बदलाव होंगे, इसका खाका अधिकारी तैयार कर रहे हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक स्कूलों में योग स्पोर्ट्स टीचर लाइब्रेरियन के पदों पर भी भर्ती होगी। सरकार ने तय किया है कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में 33,000 स्टाफ की भर्ती होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आने वाले समय में कमांड सेंटर बनेगा, जहां 50,00,000 बच्चे, 50,000 स्कूल, 3,00,000 कर्मचारी होंगे। शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए मॉनिटरिंग होगी। प्रदेश के सभी स्कूल, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, उनमें पहला पीरियड योग का होगा। वहीं स्कूलों की पढ़ाई शुरुआत योग प्राणायाम आध्यात्म देश और देशभक्ति के कार्यक्रम से होगी। हर शनिवार को स्पोर्ट्स डे का आयोजन भी होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में शिशु संरक्षण माह की शुरुआत हुई है, जहां रायपुर के रविशंकर शुक्ल वार्ड में पार्षद आकाश तिवारी ने बच्चों को दवा पिलाकर इसकी शुरुआत की। छत्तीसगढ़ में शिशु संरक्षण माह आरंभ हो गया है। इसी कड़ी में रायपुर में 16 फरवरी से 22 मार्च तक हमर अस्पताल में बच्चों के स्वास्थ्य का संवर्धन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ में शिशु संरक्षण माह की शुरुआत की गई है। साथ ही शहरी और ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्रों में, टीकाकरण केंद्रों में, स्वास्थ्य केंद्रों में 9 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को
विटामिन ए और साथ ही 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को IFA सिरप पिलाया जाएगा। इसके अंतर्गत हितग्राहियों को IFA सिरप वितरित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन RHO साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन के सहयोग से प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को आयोजित होने जा रहा है। निर्धारित टीकाकरण सत्रों में किया जाएगा। वहीं साथ ही टीकाकरण से छूटे हुए और नियमित टीकाकरण के लक्षित बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। फसलों को बर्बाद करने के लिए ओले ने यहां पर अपना रूप दिखा दिया है। सीतापुर बतौली मैनपाट में बारिश के साथ ओले गिरे थे। सब्जियों और सरसों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय ऊपरी हवा के चक्रीय परिसंचरण के कारण सरगुजा जिले के सीतापुर बतौली और मैनपाट इलाके में ओलावृष्टि हुई है, जिसकी वजह से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ओलों के कारण टमाटर, मिर्च, सरसों और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा है। वहीं इसी के साथ ही आम के बौर को भी नुकसान पहुंचा है। साथ ओलों से होने वाले नुकसान का आकलन किया जा रहा है। सरगुजा संभाग में रविवार को बारिश के साथ कुछ इलाकों में ओले भी गिरे थे। मंगलवार को बतौली इलाके में ओलावृष्टि हुई। वहीं बुधवार शाम को तेज बारिश के साथ सीतापुर और मैनपाट इलाके में ओले गिरे। सीतापुर और बतौली में खास तौर पर ओलों ने फसलों को खासा नुकसान पहुंचाया है। वर्तमान में चैती, अरहर, सरसों, सब्जियों की फसलों को भी खेतों में नुकसान पहुंचा है। गोंडी और सरगुजिया बोली में पढ़ने वालों को नौकरी मिलेगी। छत्तीसगढ़ी भाषा में MA करने वालों को सरकार टीचर बनाएगी। पहला संस्कृत कॉलेज प्रस्ताव पारित हो चुका है। छत्तीसगढ़ का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय जल्द ही अस्तित्व में आने जा रहा है। अजय चंद्राकर ने रायपुर में संस्कृत महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में अपग्रेड करने का अशासकीय संकल्प विधानसभा में रखा, जो पारित हो गया। छत्तीसगढ़ी भाषा में MA करने वालों को भी टीचर सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा में मंत्री बृजमोहन का ऐलान हुआ है कि गोंडी और भाषा में या फिर बोली में पढ़ने वालों को ही नौकरी मिलेगी। वहीं विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन सदन में पढ़ाई का मुद्दा उठाते हुए विधायक कुंवर निषाद ने कहा था कि बहुत से युवा ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ी भाषा की पढ़ाई कर चुके हैं, उन्हें टीचर की जॉब मिलनी चाहिए। शॉर्ट में बताया था, लेकिन आज उनको जो पैसा दिया जाता है। इसके पहले सदन में विधायक हर्षिता स्वामी ने स्कूलों में खरीदारी की गड़बड़ी को लेकर विधायकों की जाँच कमेटी बनाने की मांग की है। सड़कों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं नियमितीकरण समेत अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर उतरे हुए हैं। जहां अब बात करें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन करना शुरू किया है। प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि सभी प्रदर्शनकारी नियमितीकरण, मानदेय में बढ़ोतरी और सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति की मांग कर रहे हैं। कार्यकर्ता का पद जब रिक्त होता है तो सहायिकाओं को बिना शर्त का 25-50% का बंधन को हटाकर बिना शर्त का कहना है कि उनकी मांगे नहीं माने जाने पर वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने पर बाध्य होंगी। इधर ज्ञापन देने आए SDM बलरामपुर ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका संघ के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को सरकार के शासन स्तर पर भेजा जाएगा। किसान आंदोलन पर पूर्व CM भूपेश बघेल ने BJP पर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की तरह देश के किसानों को MSP दिया जाए। देश के किसानों के आंदोलन को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व CM भूपेश बघेल ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। छत्तीसगढ़ में धान की भारतीय जनता पार्टी ने 3100 रुपये देने की घोषणा की। जब छत्तीसगढ़ में 3100 रुपये दिया जा सकता है तो देश के किसानों के लिए भी MSP क्यों नहीं मिलना चाहिए? MSP की गारंटी क्यों नहीं होनी चाहिए? उनके किसानों को आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये लगातार सवाल इन्होंने उठाए। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार 5 साल पहले छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपये देने का वादा किया था। हमने 5 साल में पूरा 2500 रुपये बल्कि उसे बढ़ाकर 2600 रुपये दिया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने कल दिखाया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राज्य में 3100 रुपये देने की घोषणा कर चुकी है। इसे बजट में भी शामिल किया गया है। पावर हाउस रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण होगा। दुर्ग में अवैध कब्जाधारियों पर निगम ने कार्यवाही की, जहां दुकानदारों ने व्यवस्थापन देने की मांग की है। दुर्ग में अमृत भारत योजना के अंतर्गत पावर हाउस भिलाई का रेलवे स्टेशन सौंदर्यीकरण किया जाना है और विस्तारीकरण प्रस्तावित है। ऐसे में बीते दिन नगर निगम के कार्य में बाधक बन रहे स्टेशन के सामने अवैध रूप से लगाए गए 14 ठेले और गुमटियों पर बेदखली की कार्यवाही की गई। इस बीच लोगों ने कार्यवाही का विरोध भी किया, उचित जगह व्यवस्थापन देने की मांग भी की गई। जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा ने कहा कि रेलवे स्टेशन पावर हाउस के सौंदर्यीकरण एवं विस्तारीकरण के लिए रेलवे प्रशासन ने निगम प्रशासन को उक्त स्थल को खाली करवाकर पत्र देने का वादा किया था, जिस पर निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव ने आदेश पर स्टेशन गेट पर लगे दुकानदारों को नोटिस देकर खुद से हट जाने को कहा था।
छत्तीसगढ़ भाजपा ने चुनावी जिम्मेदारी सौंप दी है। किसान मोर्चा और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। 4 महामंत्रियों को भी काम बांट दिया गया है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन के 4 महामंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी बांटी है। 4 महामंत्रियों में संजय श्रीवास्तव, जगदीश रोहरा, भारत लाल वर्मा और रामजी भारती शामिल हैं। इनमें अलग अलग संभागों के अलावा प्रदेश भर में होने वाले भारतीय जनता पार्टी के गतिविधियों से संबंधित जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष किरण देवसाय ने संगठनात्मक नियुक्तियां भी की है और अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारी की नियुक्ति भी कर दी गई है, जिसमें राकेश चंद्राकर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। रायगढ़ में बाबा धाम की भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों भक्तों ने बाबा सत्यनारायण के दर्शन किए, 26 साल से तपस्या कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के खरसिया विधानसभा के ग्राम कुसमानार स्थित बाबा धाम में तकरीबन 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर यहां हजारों की भीड़ देखने को मिली। कलयुग के भगवान कहे जाने वाले बाबा सत्यनारायण की इस जगह पर बीते 26 सालों से तपस्या में लीन है। वहीं सावन के हर सोमवार के अलावा महाशिवरात्रि में इस जगह पर भव्य मेला आयोजित होता है, जिसमें आसपास के कई राज्यों से हजारों की भीड़ पहुंचती है। कोसमानार ग्राम में बैठे बाबा सत्यनारायण भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। वहीं कलयुग में दिन हो या फिर रात, ठंड हो या गर्मी या बरसात, आने वाले तूफान में बाबा सत्यनारायण तपस्या में लीन रहते हैं। ये ऐसा बाबा तपस्या को बैठे तकरीबन 26 साल पूरे होने को है और इसको लेकर भव्य आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली रवाना हो गए हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से 310 नेता इसमें शामिल होंगे। सभी मंत्री, विधायक और सांसदों को मोदी जीत का मंत्र देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली रवाना हो चुके हैं और दिल्ली में भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है। प्रदेश भाजपा के सभी बड़े नेता इस 2 दिन में अधिवेशन में शामिल होने दिल्ली जाएंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, मंत्री, सांसद, विधायक, जिले के अध्यक्ष दिल्ली जा रहे हैं और 2 दिन के अधिवेशन में सभी लोग सम्मिलित होंगे। वहीं बताया गया कि प्रदेश के सभी नेताओं को मिलाकर तकरीबन 310 नेता ऐसे हैं जो दिल्ली के अधिवेशन में सम्मिलित होने जा रहे हैं। कोरबा में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला। आंधी और तूफान के साथ रिमझिम बारिश, अस्पतालों में मरीजों की संख्या इसकी वजह से बढ़ गई। रोज लगातार 700 से 800 मरीज यहां पर पहुंच रहे हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज समझ में नहीं आ रहा है। कभी ओले तो कभी धूप तो कभी बरसात तो कभी कोहरे के रूप में ये मौसम देखने को मिल रहा है। पिछले एक सप्ताह से मौसम का मिजाज कुछ इसी तरह से बना हुआ है। वहीं अगर काम की बात करें तो यहां ज्यादा से ज्यादा पानी गिरने की जानकारी मिल रही है। दोपहर होते ही काली घटा छा गई थी और आंधी तूफान आने लगे, इसके बाद रिमझिम बारिश भी होने लगी। मुड़ापान निकासी डॉक्टर गोपाल कुर्रे ने बताया कि मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव के चलते निश्चित ही लोगों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा। खासकर बच्चे और बूढ़ों पर ज्यादा असर पड़ेगा। जो कम उम्र के हैं, अधिक उम्र के हैं, उन्हें स्वास्थ्य में अधिक असर इसको देखने को मिल रहा है। किसानों के समर्थन में नक्सली भी उतर आए हैं। कहा, सरकार ने कॉरपोरेट घरानों के 7 लाख करोड़ रुपए लोन माफ किए, किसानों की मांगे क्यों नहीं पूरी हो सकती। किसानों की मांगे और भारत बंद का छत्तीसगढ़ के नक्सलियों ने भी समर्थन किया है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता और नक्सली लीडर विकल्प ने प्रेस नोट जारी किया है। नक्सली लीडर का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में कॉरपोरेट घरानों का 7 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया है, लेकिन किसानों की 12 सूत्री मांगे पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अन्नदाताओं के साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव हो रहा है। विकल्प ने प्रेस नोट में लिखा कि एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, कर्ज माफी, लखीमपुर के दोषियों को सजा, पीड़ितों को न्याय, बिजली बिल संशोधन को वापस लेने, आदिवासी इलाकों में 5वीं अनुसूची लागू करने जैसी कुल 12 मांगे शामिल है। ये सारी मांगे पिछले आंदोलन के समय की ही है। लंबे समय से एक ही जगह पर स्थापित 114 पटवारियों का तबादला हो चुका है। दरअसल दुर्ग संभाग से खबर आ रही है, जहां प्रदेश में तबादलों का दौर जारी है सरकार बदलते ही। इस बीच पटवारियों का तबादला शुरू हो चुका है। दुर्ग जिले में काफी लंबे समय से एक ही जगह पर डटे 114 पटवारियों को इधर से उधर व्यवस्थापित किया जा रहा है। इस संबंध में जिला कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक दुर्ग जिले के अंतर्गत तहसील दुर्ग, पाटन, धमधा, अहिवारा, भिलाईत्री और बोरी 3 वर्षों से उससे अधिक से अवधि में एक ही तहसील में पदस्थ पटवारियों को प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरित किया गया है।
अमेरा कोयला खदान में 200 से अधिक पुलिसकर्मी पहुंचे। सरगुजा में ईंट भट्टों से 45 टन कोयला जब्त किया गया है। तकरीबन 20 आरोपी पकड़े गए हैं। यहां खुलेआम चोरी को अंजाम दिया जाता है। के SECL विश्रामपुर के अंतर्गत अमेरा खदान की है, जहां संगठित ग्रामीणों के द्वारा सैकड़ों की संख्या में खदान में घुसकर कोयला चोरी के मामले में सरगुजा पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। बीते दिन ASP पपलेश कुमार ने बताया कि 200 सदस्यीय टीम सुबह खदान में पहुंची। पुलिस ने कोयला चोरी कर रहे तकरीबन 20 लोगों को पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने भट्टे ईंटों भट्टे में छापे मारकर 45 टन अवैध कोयला जब्त किया है। SECL विश्रामपुर अंतर्गत सरगुजा जिले के लखनपुर थाना अंतर्गत संचालित अमेरा खदान में कई दिनों से 100 से 200 की संख्या में ग्रामीण घुसकर खुलेआम कोयला चोरी कर रहे थे और इनको पुलिस ने पकड़ा है।